सो गाइस, प्रिपरेशन मेरी सारी हो चुकी है, बस हम रेडी नहीं हो पाए हैं, सब कुछ हो चुका है। और राजीव जो है गया हुआ है बाहर टीटू को लिवाने, वो आ चुके हैं नीचे, उनकी आँख में पट्टी बांध के लेके आएगा। सो ये सारी प्रिपरेशन आप देख सकते हैं। सो गाइस, टीटू ऑफिस से आ गए हैं, ये देखिए। इनके आंखों में पट्टी बांधी आराम से। सच्ची मुझे दिखेगा रुक जाओ, आराम से आना। ये देखिए हमारे टीटू जी। अरे अरे अरे, इनको पकड़ के पकड़, आराम से देख के। हैप्पी बर्थडे टू यू, हैप्पी बर्थडे टू यू, हैप्पी बर्थडे डियर टीटू, हैप्पी बर्थडे टू यू। कैसा लगा सरप्राइज? ओहो, वेलकम हो गया। ए, लाइट बंद हो गई, लाइट जलाओ राजीव। लाइट बंद हो गई, रुको मैं आऊं क्या? इतना जल्दी आ जाके, वैसे लेट आते थे। हाँ अभी और बाकी है, देख के राजीव जरा ध्यान से ये रास्ते में बंद क्यों करना है? क्यों बंद कर दो, कोई दिक्कत नहीं, बंद कर दो ना, बंद कर दो थोड़ा। अब लाइट ओपन कर दें, अब लाइट ऑन करो। रेड वाइन, यस बेबी, सीरियसली, यस, रेड वाइन, नॉन अल्कोहल। फैन भी चला दो, चलेगा, दिया बुझ जाएगा। सो गाइस, अभी भी मैं भूत बन के घूम रहा हूँ, और राजीव गया हुआ है घर पे अपने रेडी होने, और टीटू आ ही चुके हैं जैसा कि आपने देखा, और अभी वो बैठे हुए हैं ये हमारे पीछे, इधर उधर निगाहें दौड़ा दौड़ा के देख रहे हैं, पता नहीं क्या। बताइए सब, आपका ऑफिस में कैसे क्या हुआ, सेलिब्रेशन हो गया अच्छे से? ऑफिस में सेलिब्रेशन बहुत अच्छा हुआ मेरे बर्थडे का। जितने वेंडर्स थे वो अलग पार्टी किए, और हमारी टीम जो थी एचआर की वो भी पूरी अलग पार्टी हुई है। बड़ा तेज बोले अखंड, हमारे में माइक लेके आ रहा हूँ, एक मिनट को बताओ, तब तक मैं आता हूँ माइक ले। गाइज, बहुत अच्छे से ऑफिस में भी सेलिब्रेशन हुआ है हमारे बर्थडे का, और जितना मतलब मैं तो कुछ पता ही ना था, अभी जब ये देख रहा हूँ शॉप डू ना, सब मतलब डेकोरेशन किया है चिकू ने, मज़ा आ गया देख के, मैं शॉक डू अभी भी। अब बोलिए, अब आएगा क्योंकि अभी माड़ हो रही है बगल में, तो उतनी क्लियर आवाज़ ना आ रही होगी, अब आवाज़ आ रही होगी। लेकिन हाँ, चिकू का डेकोरेशन सुपर है, चिकू और राजीव दोनों ने मिल के डेकोरेट किया, राजीव ने भी हेल्प करी है। मैं एकदम टाइम से मतलब सब कुछ बस रेडी नहीं हो, मेरे लिए टाइम से सब कुछ हो गया, ये कहो तो राजीव था तो हो गया। ये तो सब सरप्राइज है मेरे लिए, एक एक करके, ये डेकोरेशन और भी एक कुछ गिफ्ट है, बड़ा मस्त लग रहा है मुझे देखने में, तो वो भी ये गिफ्ट जो रखा है सामने, ये बड़ा अलग लग रहा है, इतना बड़ा गिफ्ट, और सुनने में आया है कि ये एक महीने पहले से आ चुका था, लेकिन मुझे नहीं पता है मेरे रूम में इतना बड़ा गिफ्ट रखा है। बताओ, आपको अच्छा लगा सब कुछ? बहुत मस्त लग रहा है देखने में, तो इतना अच्छा डेकोरेशन है, कुछ कहने को नहीं। थैंक यू।
इतने दिन से सब सोच के रखे थे कैसे 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 क्या क्या करना है, एक चीज़ एक एक चीज़ एक एक चीज़ पहले से ही मंगवा के सब रख चुके थे। रेडी वगैरह होंगे यार, सोच के तो रखा था कि हम लोग रेडी रहेंगे, सब कुछ एकदम रेडी रहेगा, ये आएंगे तुरंत केक वगैरह सब कुछ सामने रखेंगे लेकिन कुछ हो नहीं पाया टाइम पे। और हाँ, मेरी शाही पनीर भी बन चुकी है और अभी थोड़ी देर में हम बर्थडे का सेलिब्रेशन शुरू करेंगे, सब कुछ पहले रेडी हो जाते हैं हम दोनों। तो गाइज़ अभी सारी प्रिपरेशन हो चुकी है और अभी टीटू जी केक को कट करेंगे और इनका होगा हैप्पी बर्थडे वाला टूटू।
आपको इतना बड़ा गिफ्ट मिल गया कि आप संभाल भी नहीं पा रहे, बताओ आप अपना गिफ्ट बजाओ। आओ अच्छा लगा, पहले बजा के सिर्फ चीज को सरप्राइज देगा आपको। गाइस सबसे बड़ा जो गिफ्ट मुझे मिला है मेरा ड्रीम, मेरा बहुत मेरे बचपन से ही एक सपना था कि गिटार मुझे मिले। बजाना नहीं आता है बस मिले, वो भी चला लेंगे फिर सीख लेंगे, लेकिन मेरा ड्रीम था गिटार का और फाइनली आज मुझे चीकू ने वो गिफ्ट दिया है। सो थैंक यू सो मच। अच्छा लगा ना आज, बहुत अच्छा लगा ना। वो सोच समझ के पहले तो क्या सोचा क्या दूं, फिर बहुत सोच समझ के मेरे दिमाग में याद आया कि चलो टीटू ने एक्चुअली, आप सभी को मैंने ब्लॉग में बताया था पहले भी कि लखनऊ में जब हम रहते थे तब टीटू ने एक बार बोला था कि आगे चल के हम जो है गिटार, मुझे गिटार लेने का बहुत मन है तो हम लेंगे। तो मेरे माइंड में आया कि क्यों ना इस बार मैं गिटार ही गिफ्ट करूं। तो भाई मेरी तरफ से तो बेस्ट था, पता नहीं इनको कैसा लगा कैसा। बहुत 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 बेस्ट गिफ्ट है मेरे लिए, ये गिफ्ट है ये, कुछ राजीव अब बोलेगा। गाइस मेरा गिफ्ट नहीं आया अभी तक, मैं ऑनलाइन किया था, अभी दो दिन दिखा रहा है, मंडे तक आएगा मेरा, मेरा पेंडिंग में फंस गया। लेकिन कोई बात नहीं, गिफ्ट नहीं भी आएगा तुम आए हो यही हमारे लिए बहुत बात है। वरना आपने देखा होगा हमारी एनिवर्सरी, मुझे एक टाइम नहीं मिला था, मैंने ऑनलाइन कर दिया, मैं बाहर जाने के मुझे मैं क्या खरीदूं क्या नहीं, मैंने ऑनलाइन मैंने बुक कर दिया, मतलब लेट हो गया क्या करूं। कोई नहीं, गिफ्ट से कोई मतलब नहीं है, जब कोई आ जाए वही हमारा गिफ्ट। लेकिन इतना बड़ा गिफ्ट दिया है चीकू ने जो मेरा बहुत मतलब मन खुश हो गया है, ऐसा गिफ्ट सुपर है यार, सुपर से भी ऊपर है। गाइस अब मुझे भूख लगी है बहुत तेज। गाइस चीटू के बर्थडे का सेलिब्रेशन अब खत्म हो गया और थक गए हैं दोनों लोग, और अभी डिनर भी नहीं किया है, राजीव को जाना है घर, राजीव को भी लेट हो रहा है और हमें भी भूख लगी और बहुत थके हुए, नींद भी आ रही है। सो अब हम डिनर करेंगे शाही पनीर, उसके बाद हमने नान रोटी बनाई तवे पे और जीरा राइस। सो राजीव सर्व कर रहे हैं, आऊं क्या मैं, तो आ रहा हूँ। गाइस ये नान रोटी और ठंडा हो गया ना, कप का बना हुआ है, कप का क्या हुआ टीटू आने के देखो गरम कर रहा हूँ, गरम कर दो शाही पनीर। और ये रहा
हमारा जीरा राइस तुम सर्व करो। अब मैं ब्लॉग को थोड़ा एंड करके आ रहा हूँ, ठीक है पकड़ना। सो गाइस राजीव अकेले काम कर रहा है, मैं अब उसकी हेल्प कराने जा रहा हूँ और फिलहाल इस ब्लॉग को मैं यहीं पे एंड कर रहा हूँ। और वो आपको ये टीटू का बर्थडे स्पेशल ब्लॉग पार्ट लाया होगा और वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक करिएगा और सब्सक्राइब करिएगा और हमारा बताइएगा कि बर्थडे कैसा हुआ है आज और जो गिफ्ट चीकू ने दिया है वो कैसा है। आप सब कमेंट सेशन में बताइएगा कि आपको ये बर्थडे में क्या सबसे ज़्यादा स्पेशल और क्या सबसे ज़्यादा अच्छा लगा। तो राजीव जी अब मैं क्या बताऊँ, मेरे सारे में मेरा मेरा गिफ्ट ही नहीं आया तो मैं क्या बताऊँ। तुम्हारा दो दिन बाद गिफ्ट आया, गिफ्ट के लिए परेशान। इसका गिफ्ट एक्चुअली इसने कुछ ऑर्डर किया था माइत्रा से, सो अभी आया नहीं है, अब बता रहा है कि पेंडिंग में है, दो दिन दिखा रहा है। कोई बात नहीं, दो दिन बाद तुम्हारा ब्लॉग तुम्हारा बना देंगे। ओके सो गाइस मिलते हैं फिर।